इस कलुकाल के बीच में और सचोदेव हनुमान अरे जो तन मन से ध्यान लगावे तो प्रभु कर दे बेड़ा पार। तो कवि लिखे कि इस कलुकाल के बीच मेरी सचो है देव हनुमान और के जो तन मन से ध्यान लगावे तो प्रभु कर दे बेड़ा पार। तो हनुमान जी महाराज किरो बेड़ो पार करियो बलदेव जी। कवि माधव लिखे कि कोई एक गरीब ब्राह्मण हो और ब्राह्मणी रोजी नहीं मिले जो लड़ती के महाराज कथी है जो कथा बांच रहा हो आराम चरित्र मानस और क्यों आपने की पांच रुपया है जगह सड़ावेरा बन जावे जन बाबी री कृपा जन बढ़िया हो। अरे अब ब्राह्मणी है जो को ज्यादा लड़ी है जन दादू बा रामायण है जो की माथे ऊपर ऊंच और नजदीक रेमा कोई गाँव हो और भी गाँव रेमा गया है अरे जार गाँव वाला ने क्यों सा कथा बंसाई लो और रामचरित्र मानस है जो को आप गाँव रेमा ले रहा हो गांव वाला देख रही क्यों महाराज अबार तो की ए सड़म की प्रसाद है जगी ज्यादा है जगी मंजूरी रहे इर वास्ते थेकनी आ गया है जो कथा बढ़िया बंसान थार चढ़ा हुई है जो बढ़िया कर दा। अरे जन बड़ दादे ने रीस आई है कि आपा तो कोई कथा रही है जगी चढ़ा मेरी बात ही करी कोनी आरो क्यों बिचार ही डाल रो तो आपने ई गांव रे मा क्यों कथा है जगी बांचनी कोन। जन बा महाराज बा रामायण ऊंच और गांव उत्तर दे पासी निकले है अरे बट है जो खेत रे मा रोई में कोई एक मिंदर हो हनुमान जी महाराज रो और हनुमान जी महाराज ने वो ब्राह्मण कहे के महाराज ए गांव वाला तो कथा सुने कोनी और थे कथा है जगी सुनो जो थाने दृढ़ विश्वास हो कथा सुनाऊ तो हनुमान जी महाराज तो सबरी कथा सुने तो कभी कहीं लिखा है और कहीं बात बने है देखो अरे ब्राह्मण था गरीब भाई रे ब्राह्मण था गरीब उनकी कोई कथा सुने ना गरीब भाई रे अरे ब्राह्मण था गरीब उनकी कोई कथा सुने ना आ करके मन मेरी ब्राह्मण नगरी से बाहर आया हा सुनारे मंदिर वाला जी का जाकर बेटा उसी माय अरे रामायण की कथा रे हनुमान को सुना प्रति कथा सुन को अपने घर को दावता दिन बीते जा रहे ब्राह्मण कछु फिकर करे ना ब्राह्मण कछु फिकर करे ना रे ब्राह्मण कछु फिकरी करे ना रे ब्राह्मण कछु फिकर करे ना ब्राह्मण कछु फिकर करे ना एक ब्राह्मण कथारे तू ना बेटा बोले बालाजी महाराज की
सियापति रामचंद्र भगवान की। सबल हम जय बोले कोनी का बलदेव जी मन हुनी जे कोनी अर्ज करे थोड़ो की। तो कह एक ब्राह्मण कथा सुनावता उनकी कोई कथा सुने ना। ब्राह्मण था गरीब उनकी के कोई कथा सुने ना। अरे वो करके के मन में रीस ब्राह्मण नगरी से बाहर आया और सुना मंदिर वाला जी का के जाकर बैठा उसी माय। और रामायण की कथा हनुमान को सुनावता। अरे मुफ्त कथा सुनने एक मुंजी नित आवता। अब महाराज बन रोई रिमा और तो कौन आवे। अरे ये तो मुंजी कौन सा ये तो दाता रे दाता रे दाता रे सा। और एक कोई मुंजी आदमी अरे वो सुबह टाइम में महाराज लोटो लेर बन में गियो। अरे भी महाराज ने दुगा कथा वास्ता देखा और मन में विचार करो भी हाँ मां जा जन तो महाराज की चढ़ना पड़ी 5 रुपया। अरे भी ये जो मंदिर रे लार ले पासी बैठ और कथा सुननी है जगी चालू कर दी भी अट कोई को देख नहीं ने महाराज कोई 5 रुपया चढ़ावना पड़े। जन के मुफ्त कथा सुनने एक मुंजी नित आवता और वो नित प्रति कथा सुन के अपने घर को जावता। अरे कवि कह कितने दिन बीते जा रहे ब्राह्मण कछु फिकर करे ना। अरे एक ब्राह्मण कथा सुनावता के उनकी कोई कथा सुने ना। तो यूं करता करता बटे जो को एक हफ्तो बीत गयो तो हनुमान जी महाराज रे ठीक लार ली पास है जो को भेरू जी महाराज रो स्थान ओरो। तो एक दिन भेरू जी महाराज हनुमान जी महाराज ने काई कह है और काई बात बने है देखो अबार क्यों बोल रहे सा। अरे भेरू जी की मूर्ति रे ओ भेरू जी की मूर्ति हनुमान से कर पुकार। भेरू जी की मूर्ति रे अरे भेरू जी की मूर्ति हनुमान से कर पुकार। अरे कहे हनुमान उसके रुपये होंगे 3000। आनू जी जग बात सुनी दिल में किया विचार। ऐसा जी कर लगे ना
रुजगारी लगे ना वो ऐसा रुजगारी ए लगे ना रे ऐसा रुजगार लगे ना ऐसा रुजगार लगे ना एक ब्राह्मण कथार तू ना बेटा उनकी कोई कथा सुने ना बोले बालाजी महाराज की बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। तो अब भैरू जी महाराज हनुमान जी महाराज ने कहे भैरू जी की मूर्ति हनुमान जी से करे पुकार आस। भैरू जी महाराज हनुमान जी महाराज ने कहे देखो महाराज बालाजी थे कोरी क्यों कथा कथा हूं ब्राह्मण है जो बाल बचाणो आदमी है बिचारे इनकी है जो थे भेट पूजा करो कौन जन महाराज लारे जगो धंधो चाली किया टाबर काउ पाली गए जन बड़ हनुमान जी महाराज के जाओ काल दिन रे बा इरे जगो 3000 रुपया जगह चढ़ा महाराज जी। आ बात भी ब्राह्मण तो सुनी कोनी क्योंकि वो तो महाराज रे जगो ध्यान में लागुड़ो भगवान रे बालाजी महाराज रे और भी मुंजीड़े रा कान पड़ा के हरवा ज्यादा बी बा बातड़ी जगी सुन ली बी विचार करियो रे माल तो अट पड़ियो है आप यूं करा काल सुबह जल्दी आ और महाराज ठेको ले ला 1500 रुपया रमा जो 1500 रुपया आपने रे जी 1500 रुपया महाराज रे जी बहुत बढ़िया बात हुई। तो कह भैरू जी की मूर्ति हनुमान जी से करे पुकार अरे कहे हनुमान इसके रुपये होंगे 3000 और के मुंजी जद बात सुनी वो दिल में किया है विचार तड़के में दी दूंगे पहला के सुधी यही आऊंगो और 1500 रुपया देकर के ब्राह्मण को भरमाऊंगो और के 1500 मेरे ऋषि सुतो बैठो खाऊंगो मौज लागी महाराज तारजी। अब कह देखो मुंजी मन में हर सा रहा ऐसा रोजगार लगे ना मही डालो धंधो महाराज ठेकेदारी कटाता ही बड़े बताओ अरे एक ब्राह्मण कथा सुनावता के उनकी कोई कथा सुने ना। तो मुंदी श्याम ने घर आवे है और सुतो सुतो तारा गिने भाई कणे दिन उगेर कणे जाऊं मिंदर। अब महाराज वो तो चार पति चांद रखे बैठो गयो अरे बे खड़बाटो बाजो बाल टेनार क्यों कना वादो ही करन लागियो अरबी टेमर मा महाराज भी मुंदन देख रही क्यों आज बेगा उठा हो काई बात है कोई गांव गांव तो है बोले नहीं गांव तो कोई है हूं हनुमान जी महाराज रे अपने बो रोई रे मा मिंदर खेत में लीरी जगो सेवा डाल ली जणबा मुंदन देख रही क्यों इतो थे मुंजी हो क्षेत्र में जाओ सेवा करण हनुमान जी महाराज री भक्ति जाली है जन कठी दाल में कालो तो को है नहीं जन भी देख रही क्यों हुई जनदार पूरी काली हुई गए अरे जन देखी जाई। तो अब वो सुबह रे टेम में जाकर के महाराज ने अरबी चढ़ा बेरो है जो ठेको लेवे है महाराज ने कहीं कहे और कहीं बात बना है देखानी आभार क्यों अरे तड़के वो दिनू गए पहला ओ तड़के रे वो दिनू गए पहला सूदी यही आया है वो तीनों के पहला सुधी यही आया है 1500 रुपया देकर ब्राह्मण को भरवाया है अरे ब्राह्मण का था बात फिर भाई खुशी से घर आया है
ब्राह्मण कथा बाच के भाई खुशी से घर आया। आ मुदी दी अड़ी कर बेटा सडावा नहीं आया है। अरे मूर्ति के मारी लाख कुंडा लटक आया है। रे ऊपर पैर ओ नीचे माथा चोट दुखे पाया है। मुजीवा पर दुख पारे हा, मुजीवा पर दुख पारे हा, पग ताण्या नाय तड़े ना। ए पगी ताण्या नाय टूटे ना रे, पगी ताण्या नाय तड़े ना रे, पगी ब्राह्मण कथा रे सुनावे ता उनकी कोई कथा सुने ना। बोले बालाजी महाराज की, सियापति रामचंद्र भगवान की। तो के तड़के वो दिनूंगे पहला सुधी यहीं आया है और 1,500 रुपया देकर के भी ब्राह्मण को भरमाया है। अरे दादे ने जोगो महाराज भ्रमित कर दिया बलदेव जी, और 1,500 रुपया देकर के और क्यों महाराज को आसन जगो छोड़ो और अब जगो प्रसाद आई जगो मारो है, ठेको ले लियो। जन महाराज भी ब्राह्मण देख रही और बोले बेटे बाप आठ की सा प्रसाद आवा है, अरे मैं हा दिना रमा क्यों मिन खरो मुंडो यार थारो देखियो है। अरे तू महाराज बड़ो जोर मारी जन कोई रुपया ठना चढ़ाई भी विचार के ऊपर दादो है जो को नट जन जेब रे में 1,500 रुपया काढ़िया और महाराज ने पकड़ा जे गिलो महाराज ओम आसने जो थे छोड़ो तू थे तारे गांव जाऊ सो किधर कोई बात कोन। अरे दादे विचार करियो बेटो ई रोई रे मां, अरे वारे बाबा बजरंगी अर 1,500 रुपया ते दे दिया जन महाराज भले यू बेसी थारी कृपा कोई वे। तीन पाना है जका रामायण रिया और हनुमान जी महाराज ने सुना दिया। अम्बो ब्राह्मण कहे के देखो मुंदी जी ओ आसन है ए हनुमान जी महाराज जाने थे जानो अब जोगो प्रसाद आई जोगो थारो है। अब महाराज को मुंदी है जोगो हनुमान जी महाराज वाली मूर्ति है जगी ने कपड़े में जोगो साफ करे है, अरे बड़ा सिंदूर तेल चढ़ावे वावे रे और विचार करे भी काल ने बाबू ज्यादा राजी हो जिया दिन काल ने 3,000 दिया है जोगो 5,000 ही आ सके कोई बड़ी बात कौन, क्योंकि वो तो अष्ट सिद्धि और नव निधि रो दाता है। यूं करता करता 3 बज गई, जन महाराज भी मुंजीडे रोई मन फाट गयो कुचीरो डांगो फाटे जो भी विचार करियो हनुमान जी महाराज ने कहे हे महाराज बालाजी थे मारा है जगह 1,500 रुपया जगह डबो दिया हुआ अब हूं थानी छोड़ू कौन क्यों मारो नाम लोग मुंजी कहे। अरे मां महाराज तार जाल दई की धींगड़ो दो आदमी रो करार हो, अरे लंफरवा हनुमान जी महाराज वाली मूर्ति है जकीर लातरी ठोकी है और हनुमान जी महाराज भी मुंदी रा ऊपर पग से दिया मिंदर रे बिता हीर का मारे लातरी देर वो आदा दे मन कुण मानी मूर्ति के मारी लात के उंडा लटकाया है और ऊपर पैर और नीचे माथा अर मुंजी बट बहुत दुख पाया है। अरे मुंजी वहां पर दुख पा रहा के पग ताण्या ना तणे ना, अरे एक ब्राह्मण कथा सुनाओ ताके उनकी कोई कथा सुने ना। तो सुबह रो गिवड़ो और शाम होगी और महाराज घर आयो कोनी, जन मुंजन रे तो लारे हो सी वे टावरा टिंगरा रे चिंता तो भई जन बा मुंजी लुगई दे कर मा छोरा ने कहन लागी रे बोले छोरा आज थारो है जो बाबू आया कोन के बात है दिनु घर गिवड़ा क्यों बाबू है जो मुंह फड़ा लेर गिवड़ा नी मंडी क्यों को अपन टेम हो। हां अब वे पग लेर जावे है और पग तो भी मंदिर में जावणा ही आ, अर कहीं है जो भी मुंजी ने देखे है और कहीं बात बणे है देखो। अरे मुंजी डे राटा बर टिंगर मुंजी डे राटा बर टिंगर सारा फिरे टोंका,
ए मुंजी रे राटा बर टिंगर मुंजी रे राटा बर टिंगर सारा तीरे टोमका आ मुंजी जी ने देखा था कर मंदर माही रोमता अरे पर धन की तो आस करे से भाई के साथ दुख है ओमता ए परधन की तो आस करया से परधन की तो आस करया से भाई ए साधु के ओमता डेढ़ हजार रुपया से ब्राह्मण के पोताया है अरे तब छुटी गेल मुंजी अपने घर को आया है किया विश्वास ब्राह्मण माल धन पाया है माधव दिली को समय जा रहा माधव दिल को समय जा रहा रे देखो प्रभु की भक्ति बड़े ना देखो आरी की भक्ति बड़े ना रे देखो प्रभु की भक्ति बड़े ना रे देखो आरी की भक्ति बड़े ना प्रभु की भक्ति बड़े ना एक ब्राह्मण कथा रे सो ना बेटा उनकी कोई कथा सुने ना मोरे बालाजी महाराज की सियापति रामचंद्र भगवान की मुंदीडेरा के टावर टिंगर सारा फिरे टोमता अरे मुंदी जी ने देखा बा जाकर मंदिर में आई रोमता अरे महाराज पग लेर गया तो पग तो बट मंदिर में है जो को जावना या आगे वो भी डाल मंदिर में लटक तो देखियो अरे भी मुंजन विचार करियो बलदेव जी भी कोई आ भक्ति है जन भी मुंजन दे कर क्यों इतनी दोरी भक्ति क्यों करो आपने काई कमी है भगवान री कृपा में जो सब ठाट है धीणो घणो ही है खेत में जो दान घणो ही है जन भी बान देखिया जन महाराज के आंसू आ गया क्यों भक्ति कारी है हूं तो हनुमान जी महाराज थारी की धन करे हो अरे मैं हनुमान जी महाराज की मूर्ति जकी लातरी ठोक दी और महाराज का ऊपर नहीं पग छिप गया जन भी मुंजन दे कर कियो ए छोरा है जगह कान वास्ते रे कद काम आई बे कपड़ लाइए मुंदी ने खांचण ने हाथा पग लोया उतर की छूटे बट काई हो महाराज अरे क्यों हनुमान बाबे रे पीड़ा कोई फेविकोल थोड़ी जे पीड़ा अब महाराज हनुमान जी महाराज री ऊपर आकाशवाणी हुई क्यों भी ब्राह्मण ने 3000 रुपया री बात है अजू तो घर भी 1500 रुपया ही पूजे और 1500 रुपया और पुगाओ जन तो जी छूट अरे नहीं जन क्यों टोकरी रे मां लाल लटके नहीं जो ई डाली लटकी मुंजी विंदर रे मां अरे आ बात सुनी जन बा मुंजनी जगी भी नहीं मुंजी भी क्यों छोरा हम आमने ई घणी जरूरत री कोल माते माते क्यों बैठो रही अरे हनणो करावो करा 12 महीना अरे हम आपा है जो 1500 रुपया क्यों भलमती लगाओ बोल तो काई करा बोले एक दिनों तास को जो घरों कुवाड़ो लियो किला पांच को पड़ियो है अरे गीटा कनु पगवाड़ घर ले लियो अरे महाराज पगवाड़ नेरी तैयारी हुई अरे कु क्यों और हनुमान जी महाराज ने क्यों बोले बालाजी महाराज ए तो घरला तो पगवाड़ ने हम जुड़ा है अरे हूं थारे दोरा दुबला की ही कर भी ने ब्राह्मण ने जो 1500 रुपया और पोसा जन पर हनुमान जी महाराज की विनती करी जन बाबू तो करुणा निधान है जन के 1500 रुपया उस ब्राह्मण के घर और पहुंचाया है और तब छुटी गेल वो मुंजी अपने घर को आया है अरे किया भी विश्वास ब्राह्मण जो को माल धन पाया है हनुमान जी माता भी ब्राह्मण विश्वास करियो जो को महाराज बाबे मालो बाल कर दियो अरे माधव दिल को समझ आ रहा प्रभु की भक्ति बने ना अरे एक ब्राह्मण कथा सुनाओ ताकि उनकी कोई कथा सुने ना तो इन डलो परसो बालाजी महाराज भी गरीब ब्राह्मण ने दियो और आजकल तो वावेरा हजारों पड़ता है बोले बालाजी महाराज की सियापति रामचंद्र भगवान की।
जय हो अरिशा।